का बेटा जो लेक्चर है उसमें डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ प्लस वन के डायमेंशंस, टेन प्लस वन के, फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद प्लस टू के डायमेंशंस हैं, और लास्ट में फिर जो है एरर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है। तो सारे डायमेंशन नहीं आएंगे यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है वही आएंगे। तो m stands for one unit of mass, system कोई भी हो, l stands for one unit of length, and t stands for one unit of time। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे हीट वाले पार्ट में, तो टेम्परेचर के लिए भी लिखना पड़ेगा थीटा, या फिर लिख सकते हो k, t तो टाइम के लिए यूज हो गया। और जब जाएंगे हम प्लस टू में तो फिर करंट जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके लिए एम्पियर भी लिखना पड़ सकता है, कभी कभी कैपिटल आई लिखा होता है, और कोई कोई सिस्टम जो है एस आई से भी पहले का उसमें चार्ज को फंडामेंटल यूनिट लेते थे, तो कैपिटल क्यू भी हो सकता है। क्यू चार्ज के लिए, करंट के लिए आइदर आई और कैपिटल ए, वो प्लस टू में यूज होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, परमिटिविटी के डायमेंशन निकालनी है, तो वो यूज होंगे। तो एटलीस्ट मैकेनिक्स में सारे के सारे यूनिट जो हैं वो एम एल और टी की फॉर्म में डिस्क्राइब हो जाएंगे, तीन ही यूनिट चलेंगे। उस पर हीट में आ जाएंगे तो टेम्परेचर साथ में ऐड हो जाएगा, और जब जाओगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, तो एम्पियर या आई यूज करना पड़ेगा। सो डायमेंशंस क्या थे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को एम एल और टी के फॉर्म में लिखा जा सकता है विद सम पावर्स, कभी एल का पावर टू है, कभी टी पावर माइनस थ्री है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले फोर्स, क्या डायमेंशन थे याद है आपको, एम एल टी माइनस टू, वेरी लास्ट, फटाफट साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। फोर्स ओनली फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला ओनली, फोर्स एम एल टी माइनस टू, प्रेशर, प्रेशर के लिए फोर्स को डिवाइड बाय एरिया, तो नीचे एक एल स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा, एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डेंसिटी एम एल माइनस टू, मास बाय वॉल्यूम। एंगुलर वेलोसिटी वाज एंगल कवर्ड पर सेकंड, टी माइनस वन, वेरी नाइस। एंगुलर एक्सेलरेशन, टी माइनस टू, बहुत अच्छे। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो कोई भी, और वर्क हो, आप सारा कथा लिख दीजिए। एनी एनर्जी देखिए पहले, तो एनी एनर्जी ऑब्लिक वर्क, वर्क के भी सेम मेंशंस हैं, ऑब्लिक टॉर्क भी लिख लो बेटा, टॉर्क था फोर्स इनटू लिवर आर्म, याद आया, फोर्स इनटू लिवर आर्म, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे वो भी वर्क ही होता है। तो इन सब के डायमेंशन एक ही हैं, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट बेटा पावर, पावर की डिमेंशन एम एल टू टी माइनस थ्री, एक टाइम से और डिवाइड करना है वर्क के डिमेंशन को। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, याद किया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला था न्यूटन्स
formula for gravitation. F is equal to g m1 m2 by r square. G निकालना है r square ऊपर, दोनों mass नीचे. Force के dimensions mlt minus 2, r square यानी distance square l square, नीचे mass into mass, एक mass cancel और बचा l3 m minus 1 t minus 2. याद कर लो, बार बार यूज होना है. प्लैंक्स कांस्टेंट भी बार बार यूज होगा. प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन मैच करते हैं एंगुलर मोमेंटम से. वेरी इंपॉर्टेंट पेयर, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम से मैच करते हैं. एंगुलर मोमेंटम वाज मोमेंटम का मोमेंट. तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. क्या डायमेंशन होंगे? एमएलटी माइनस वन इनटू मोमेंटम का मोमेंट निकालने के लिए एक और लेंथ आएगा एमएल2 टी माइनस वन. बाकी केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला करते रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू. तो एनर्जी कोई भी हो, एमएल2 टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है उसको, तो उस तरह भी आ जाएगा जैसे मर्जी कर लीजिए. तो आप लिखेंगे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ऑब्लिक एंगुलर मोमेंटम, दोनों के डायमेंशन सेम है. ML2 T-1. गैस कांस्टेंट याद नहीं करना, अगर जरूरत पड़ी वहीं जाके निकालेंगे. लेकिन एक चीज याद रखनी है, वो पहले लिखो. गैस कांस्टेंट से पहले लिखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेक करो जरा क्या डायमेंशन आते हैं. एनर्जी के डायमेंशन ML2 T-2 डिवाइड बाय L क्यूब करिए, M L-1. ये किसके डिमेंशन है? प्रेशर. याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है. एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम इज प्रेशर, बहुत काम आएगा ये. तो देखो बेटा, गैस कांस्टेंट में PV इक्वल टू nRT था, राइट? N इज नंबर ऑफ मोल्स, T is absolute temperature. Pressure is equal to, अभी लिखा आपने energy by volume. चेक करो. Yes, sir. Energy by volume is pressure. तो pressure into volume करेंगे तो volume cancel. तो P into V क्या चीज है? Energy. Energy के dimension? ML2 P minus 2. अब देखो ध्यान से जरा. Energy के dimension ML2 T minus 2. Divide by number of moles. पर मोल आ गया. डिवाइड बाय टेम्परेचर, थीटा पावर माइनस वन या के पावर माइनस वन. सो एनर्जी टेम्परेचर माइनस वन, मोल माइनस वन, ऐसे याद करना आसान रहेगा. ठीक है, तो अब लिखिए गैस कांस्टेंट ML2 T-2 थीटा माइनस वन, मोल माइनस वन. थीटा की जगह के भी आ सकता है. ML2 T-2 पहले एनर्जी by temperature by number of moles. Angular momentum छोड़ो, लिख लिया आपने. Torque लिख चुके हैं. एक इसमें rotational motion में था moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? ML2 / 12. बाय 12 तो नंबर है, तो वही डिमेंशन भी है. ML2 ML2 वही डिमेंशन भी है उसका. तो इसमें मास और डिस्टेंस के स्क्वायर आते हैं, तो ML2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया. स्टीफन्स कांस्टेंट, इसको याद नहीं करना, जरूरत पड़े तो वहीं पे जाके निकालेंगे. फॉर्मूला पता होना चाहिए निकलता कैसे है. तो स्टीफन्स लॉ था प्लस वन में ई इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, बट बी केयरफुल, ई एनर्जी नहीं है. इट वाज हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दैट वाज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी पावर 4. चलो बात वही है, एनर्जी कोई भी हो, ML2 T-2, एरिया यानी L स्क्वायर, टाइम T, सिग्मा के डिमेंशन निकालने हैं, टेम्परेचर यानी कि K या थीटा पावर 4. तो L स्क्वायर कैंसिल, यानी MT-3 थीटा -4.
फॉर्मूला लिख लो ये वाला आप, आंसर चाहे ना लिखो या घर पे जा कर लेना कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको याद नहीं करना, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिग्मा के डायमेंशन निकाल दो, तो आपको पता होना चाहिए करना क्या है। एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था प्लस वन में, वो भी ऐसा ही है। तो हर ब्लैक बॉडी में से ना रेडिएशन निकल रहे हैं, हम में से भी निकल रहे हैं एट प्रेजेंट, सन में से भी रेडिएशन आ रहा है, लेकिन सन में से सभी कलर्स आते हैं, बट सन का कलर कौन सा है? सन का कलर कौन सा है? व्हाइट है, येलो कलर है। सन इज अ येलो कलर स्टार। उसमें जो येलो कलर की वेवलेंथ है ना, वो मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट एनर्जेटिक वेवलेंथ है। तो वो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दिस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। खैर डायमेंशन निकालना आसान है। वेवलेंथ क्या होती थी? डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। तो वो डिस्टेंस मतलब लेंथ हुआ ना, वो ये लेंथ है, ये मेरा टेम्परेचर है, तो एल टी आ जाएगा। टी नहीं लगाना, टेम्परेचर के लिए क्या लगाना? थीटा। एल थीटा, तो एल थीटा, बस इतना। ये भी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है, आएगा तो वहीं पे बैठ के डिजाइन कर लेना इसको। अब हीट के फ्लो का एक मैकेनिज्म था कंडक्शन, ये तो रेडिएशन के फॉर्मूले, कन्वेक्शन का फॉर्मूला कोई नहीं है, कंडक्शन का है। तो जब हीट ने फ्लो होना है किसी वॉल में से, तो मैटर करेगा एक तो वॉल का एरिया कितना है, एक वॉल के उस तरफ और इस तरफ टेम्परेचर कैसा है, और डिपेंड करेगा कि वॉल का जो मटेरियल है वो कैसा है। तो उसके लिए कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो अगर एरिया ए में से हीट को फ्लो करना है और थिकनेस जो है वॉल की वो एक्स है और टेम्परेचर्स हैं दोनों साइड पे T1 एंड T2, देन जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड है वो होता है प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ वॉल एक्स, एंड के इज कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है हर मटेरियल का अलग अलग, उसी के डायमेंशन निकाल लें। के इज कॉल्ड सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट का डायमेंशन एनर्जी है ML2T-2, बाकी सेटिंग कर दो, डिवाइड बाय टाइम, हीट बाय टाइम, एक्स यानी ऊपर लेंथ, एरिया यानी नीचे, एल स्क्वायर टेम्परेचर भी नीचे, तो एल स्क्वायर कैंसर, एम एल टी कितना बेटा? -3 थीटा -1, ये भी याद नहीं करना, एग्जाम में आया तो अकॉर्डिंगली वहीं पे बैठ के मैनेज करो इसको, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है, लिख लो लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पेयर है, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस पे होती थी, वो था फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ, अनदर फॉर्मूला वाज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, डायमेंशन सेम आएंगे दोनों तरह से, लेकिन वही डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट के भी है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्लिक सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्लिक सरफेस टेंशन। तो स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला होगा करता था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कॉल्ड हुक्स लॉ। तो K जो है वो था फोर्स बाय एक्स, एक्स यानी स्प्रिंग कितना खींच दिया, और जो सरफेस टेंशन थी वो भी थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसमें एक वाटर के सरफेस पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो वो फोर्स कितने लेंथ पे एक्ट करता है, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला सेम आएगा। तो फोर्स को यानी एम एल टी माइनस टू को एल से डिवाइड करेंगे तो एम टी माइनस टू, तो वो दोनों के डायमेंशन एम टी माइनस टू लिख दीजिए आप।
necessary. Next entry have here coefficient of viscosity. लिक्विड जब फ्लो होता है तो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, जिसको हमने लैमिनर फ्लो बोला था। तो दो लेयर्स के बीच में अगर वेलोसिटी का डिफरेंस है dv, उनमें सेपरेशन है dx, एरिया लेयर्स का है a, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो फोर्स का प्लस वन में माइनस साइन भी था यहाँ पे एक ईटा इंटू ए इंटू दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसी का भी लिखना हो तो चेंज इन दैट क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, प्लस टू में पढ़ा आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इलेवेंथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट भी था, प्रेशर ग्रेडियंट भी था, वो होगा फिर चेंज इन प्रेशर बाय लेंथ। एनीवे ईटा फोर्स एम एल टी माइनस टू, डी एक्स यानी लेंथ, एरिया यानी एल स्क्वायर, एंड वेलोसिटी यानी एल टी माइनस टू, राइट। बाकी ये फॉर्मूला जो आंसर आएगा ना वो याद कर लेना, बार बार यूज होना है वो। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बाकी बीच का मत लिखिए, सिर्फ इतना लिख लो बेटा नीचे वाले पास। चलिए तीन चीजें और ऐड करनी है बस। स्ट्रेन था चेंज इन क्वांटिटी, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, शेप हो सकता है, डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो चेंज इन लेंथ, उसके डिमेंशन में लेंथ वाले आएंगे, ओरिजिनल लेंथ उसके डिमेंशन में लेंथ वाले आएंगे, लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया डिमेंशन लेस। तो स्ट्रेन के डिमेंशन लिखिए डिमेंशन लेस, स्ट्रेन डिमेंशन लेस। अगला स्ट्रेस बेटा था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो फोर्स बाय एरिया तो प्रेशर जैसे ही हुआ ना फिर, तो प्रेशर की डिमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू वो लिख दीजिए, स्ट्रेस के डिमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब वो तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे, यंग बल्क शियर, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता था, तो स्ट्रेस के डिमेंशन तो प्रेशर वाले हैं, स्ट्रेन के होते ही नहीं है, इसके डिमेंशन प्रेशर वाले आएंगे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, आप लिखो मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी हो मॉडुलस, मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलिए एक क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली आता रहता है, वो मुझे पता नहीं कि प्लस वन से आएगा प्लस टू से आएगा, यूजुअली यानी 90% चांसेस है प्लस वन से ही आता है। तो क्वेश्चन रहता है कि आपको दिया होगा कि अगर हम मास लेंथ टाइम इनको फंडामेंटल यूनिट ना चूज करके कोई और फंडामेंटल यूनिट्स रख लेते, जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, इनको ले ले फंडामेंटल यूनिट्स, तो इस नए सिस्टम में जो मास का डिमेंशन है इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी वो क्या होगा। तो अब एग्जाम में इसमें ज़्यादा सजा सजा के नहीं लिखना, इतना सजाना है कि आप खुद पढ़ सको, बस इतना साफ लिखिए। और उसमें वो लिखा होता था वेयर के इज अ डिमेंशन एस कॉन्स्टेंट, ये वो नहीं लिखना, आपको फटाफट सॉल्व करना है ताकि जल्दी आंसर आ जाए। सो क्विकली पहले एम के डिमेंशन सपोज जी एच और सी की फॉर्म में ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी आपने लिखा, फिर दोनों तरफ डिमेंशन पुट करने होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो एम आएगा, राइट हैंड साइड पे जी के डिमेंशन अभी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंगुलर मोमेंटम वाले थे एम एल टू t माइनस वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो या वेलोसिटी ऑफ बस हो वो तो lt माइनस वन ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, सारे m m m इकट्ठे करने हैं, तो यहां से m पावर माइनस a प्लस b, l पावर 3a 2b प्लस c, t पावर माइनस 2a एंड माइनस सॉरी कॉल है माइनस b माइनस c, इधर m पावर 1 l 0 t 0, m का पावर m से मैच करो, यानी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू वन
एल का पावर एल से मैच कर दो और टी का पावर टी से मैच करो, ये दोनों जीरो आएंगे। अब इसके बाद आप कैसे मैनेज करते हो, ये आपका अपना आईक्यू है, हर एक का अपना अपना तरीका है करने का। मेरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ऐसी मिल गई जिसमें दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो बाकी की दो को ऐसे मैनेज करो कि ए और बी वाली इक्वेशन बन जाए, क्योंकि दो सॉल्व करने आसान है। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें सी मिसिंग है, इनको कुछ ऐसे करो कि सी भी मिसिंग हो जाए, ऐड कर दो। ऐड करने से कैंसिल, क्या लिखूं? ए प्लस बी, ए इधर क्या लिखूं? बी इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ना दो इक्वेशन आ गई, ए बी की। अब इनको सेट करना है, बहुत आसान है, क्या किया जाए? ऐड करो, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, टू बी इक्वल टू वन, तो फिर बी इक्वल टू बेटा हाफ। b का वैल्यू ए बी वाली इक्वेशन में पुट करो किसी में भी, a निकल आएगा, a b दोनों पुट करो किसी भी इक्वेशन में नीचे, फिर c निकल आएगा। वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। चलिए, तो a और b भी रख लिया, c भी निकाल दिया और आंसर आ गया। तो m जो है उसमें g पावर आया बेटा a माइनस हाफ, h पावर आ गया हाफ और c पावर आ गया बेटा हाफ, वैल्यू हाफ आया। अब क्वेश्चन कई तरह से आता रहता है, मैं आपको क्वेश्चन जो दिखाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2015 का, सेम क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इफ दे आर यूज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास, मास का मैंने करा दिया आपको, एल वाला अभी सॉल्व करेंगे आप, यहां पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, आप सॉल्व करना अपने आप। देन करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस आर, तो अभी आपने क्या निकाला, एम, क्या एम सी के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है? यस सर, कर रहा है, तो ये सही ऑप्शन है। क्या एम जी के रूट पे डिपेंड करता है? वन बाय रूट जी आना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है, इस पर वीडियो बंद हो जाएगा। अब आपने ये वाला जो पार्ट है लेंथ, ये अभी सॉल्व करना है और चेक करना है कि नीचे वाले में से कौन से चॉइस सही बैठते हैं। तो शुरू हो जाओ बेटा।